सो हेलो साथियों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 फेज 3 का, जो आप लोगों का 15 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था, 6 to 8 और 1 to 5 का, वो जो पेपर है आप लोगों का, फाइनली रूप से आप लोगों का रद्द कर दिया गया है। और उसकी जो ऑफिशियल अपडेट है वो भी नोटिस जारी कर दी गई है। और नई परीक्षा तिथि क्या है उसके बारे में भी आप लोगों से हम बात करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी एक अपडेट आप लोगों के लिए ये है दोस्तों कि फ़िलहाल बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर है वो आप लोगों का रद्द कर दिया गया है, दोनों का, प्राइमरी का भी और 6 to 8 का भी, क्योंकि उन्होंने इसकी पुष्टि कर ली है और स्वीकार लिया है कि हाँ, पेपर जो है आप लोगों का लीक हुआ था और उसको हम स्वीकार करते हैं और पेपर आप लोगों का रद्द हो चुका है। तो आइए दोस्तों ऑफिशियल आप लोगों का अपडेट दिखा देते हैं। अभी दोस्तों अगर आप यहाँ देखें, देखिए तो हम यहाँ पर आप लोगों का एक मिनट के लिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए एक बार स्क्रॉल कर देते हैं। आज आप लोगों का वेडनेसडे 20 मार्च है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए 19 अभी तक इस पर आप लोगों का अपडेट नहीं आया है, लेकिन उसकी मैं नोटिस आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण टीआरई 3.0 परीक्षा 15 मार्च 2024 की दो पालियों में आयोजित की गई। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त परीक्षा प्रश्नपत्र परीक्षा से पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुँच गए थे। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत इतना इतना दिनांक 16/3/2024 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान एवं इतना सम्मत कार्यवाही की जा रही। दस्तावेज में परीक्षा संबंधी कोई भी निर्णय के हेतु द्वारा आर्थिक प्राधिकारी के पत्र में मानक साक्ष्य मांग की के साथ ही प्रतिक्रिया नोडल पदाधिकारी के माध्यम से प्राथमिकी उल्लिखित बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसके प्रत्युत्तर में माध्यम से सूचना दिया गया कि अनुसंधान में क्रम में, तो यहाँ पर देखिए साझा नहीं किया जा सकता, आर्थिक अपराध इकाई बिहार द्वारा दर्ज किए गए। यहाँ पर देखिए वर्णित स्थिति में समय विचारोपरांत आर्थिक के व्यापक को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए दिनांक 15/3/2024 को संख्या इतना इतना के तहत विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता टीआरई 3.0 के दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है और परीक्षा टीआरई 3.0 परीक्षाओं को पुनः आयोजित करने की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यानी कि परीक्षा की जो डेट है अभी भी आप लोगों का घोषित नहीं किया गया है, उसकी जानकारी बाद में दिया जाएगा। और ऐसा किस क्यों दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं आगे आपका चुनाव है, तो उसको ध्यान देते हुए परीक्षा को कुल मिलाकर के आप लोगों का रद्द कर दिया गया है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, तो तैयारी में फिर से लग जाइए, और क्योंकि एक सीट आपको लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।